जैसा कि फ्रेंड आप लोग जान रहे हैं कि 2-3 दिन से हमारे चैनल के ऊपर वीडियो पब्लिश नहीं हो रहा था। काफ़ी लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे, और कुछ लोगों ने ईमेल किया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में भी मैसेज किया, कुछ लोगों ने फेसबुक पे भी मैसेज किया, भाई आप कहाँ हैं, वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात है, कहाँ है, नहीं है, बताएं। तो फाइनली फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं गया हुआ था बाहर, वहाँ पे मैं 2-3 दिन रुकने वाला था। वहाँ पे हमारा तबीयत भी कुछ गड़बड़ हो गया था, जिस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया और चैनल के ऊपर वीडियो भी पब्लिश नहीं किया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को जब हम अपने घर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, अगर गूगल एडसेंस के साथ अर्निंग कर रहे हैं, तो लाजमी है हर एक लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन करके देखते ही हैं, भाई कितनी अर्निंग हुई, गूगल एडसेंस का क्या पोजीशन है, कहीं अकाउंट डिसेबल तो नहीं हुआ। जैसे ही दोस्तों हमने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन किया, तो हमारा 2 गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक में लगभग 300 के आसपास अर्निंग हो चुकी थी और एक में लगभग 180-184 डॉलर था। लगभग मोटा मोटी मान लीजिए 450 डॉलर के आसपास जो है, या 450 से कुछ अधिक ही होगा, हमारा लॉस हुआ। ये दोस्तों हमारी मेहनत की कमाई थी, हमने उस साइट के ऊपर काफ़ी मेहनत किया था। वो जो गूगल एडसेंस अकाउंट था वो न्यूज़ वाले साइट का था, दोनों का दोनों। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने साइट के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अभी के डेट में आप कोशिश करें कि एक गूगल एडसेंस अकाउंट में 2 से 3 ही साइट को ऐड करें। अगर दोस्तों आप लोग सब साइट को एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड करते हैं, तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, सारा का सारा वेबसाइट भी डूब जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग एक गूगल एडसेंस अकाउंट में 2-3 साइट ही ऐड करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि दूसरा गूगल एडसेंस अकाउंट किसी अदर पर्सन या फैमिली में जो कोई भी है उसके नाम से क्रिएट कर लें और उसको भी यूज़ करें। ऐसा ही दोस्तों हम करते हैं, अगर एक गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो कहने का मतलब है कि रोड पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो वेबसाइट से ही होती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। यूट्यूब से तो भाई सिर्फ कहने का मतलब है कि कुछ कुछ खर्च वगैरह निकल जाता है, लेकिन आप तो जैसा जानते ही हैं कि वीडियो के ऊपर व्यू नहीं आता है, क्योंकि भाई आप लोग तो वीडियो शेयर करते नहीं हैं, लाइक करने में भी आप लोगों को उंगली में दर्द हो जाता है। और काफ़ी मैं मेहनत भी करता हूँ और अच्छा अच्छा वीडियो भी आप लोगों के लिए लाता हूँ, फिर भी दोस्तों मैं बोलता रहता हूँ लाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पता नहीं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में क्या है दोस्तों कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि हमारा जो गूगल एडसेंस अकाउंट जो डिसेबल हुआ वो किस वजह से हुआ, जो मुझे लगता है और जो मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये गूगल एडसेंस अकाउंट टिकने वाला नहीं है, एक आध महीना का मान लीजिए पेमेंट आया तो आया, वरना नहीं आएगा। ये चीज़ मुझे पहले से पता था, क्योंकि दोस्तों इतना दिन से मैं गूगल एडसेंस अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और इतना दिन से मैं वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दोस्तों मुझे तजुर्बा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिना तजुर्बा का दोस्तों मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों ऐसा लगा। यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या कि हमारे साइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा था, तो अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो रहा था, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो क्लिक आ रहा था वो भी बहुत अधिक क्लिक था। लगभग एक दिन में वहाँ पे 500-600 क्लिक हो जाता था, एक दिन में एक साइट के ऊपर 500-600 क्लिक हो जाता था। और वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CPC काफ़ी कम मिल रहा था, 0.02 से लेकर 0.04 ही चल रहा था। अभी कुछ दिन से यहाँ पे CPC भी काफ़ी कम है, लेकिन मुझे लगा कि भाई ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जहाँ तक दोस्तों हमने देखा कि भाई CPC वहाँ पे काफ़ी कम चल रहा है, और हमने ये भी नोटिस किया कि कभी अर्निंग कुछ बता रहा है, कभी अर्निंग कुछ बता रहा है, कहने का मतलब है कि अभी 10 डॉलर है और कट के 4 डॉलर 5 डॉलर हो गया। तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे इनवैलिड क्लिक हो रहा है और इनवैलिड एक्टिविटी हो रहा है साइट के ऊपर। क्योंकि दोस्तों न्यूज़ वाले साइट के ऊपर जो आते हैं तो उनको तो मतलब नहीं है,
उनको तो किसी भी ऐड से कोई मतलब है ही नहीं। वहाँ पे दोस्तों उनको न्यूज़ पढ़ना है, न्यूज़ पढ़ के जाना है। अब दोस्तों कोई भी ऐड के ऊपर गलती से क्लिक हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, तुरंत बैक हो जाएंगे। इस तरह के एक्टिविटी को गूगल एडसेंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों एडवर्टाइजर उनको पैसा देता है और उसी पैसा से वो लोग हमें भी देते हैं। अब दोस्तों जिस ऐड के ऊपर क्लिक हुआ उस ऐड से एडवर्टाइजर को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, विजिटर एक सेकंड भी साइट के ऊपर नहीं गया, डायरेक्ट आ गया और वो क्लिक आपका काउंट हो जाता है। चलिए एक दिन में मान लीजिए 500 क्लिक हो रहा है तो 100 क्लिक यहाँ पे रोज़ इनवैलिड क्लिक अगर काउंट होता है आपके साइट के ऊपर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो आपका यहाँ पे 100% गूगल एडसेंस अकाउंट जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ था वहाँ पे क्लिक भी बहुत अधिक आ रहा था, इम्प्रेशन भी बहुत अधिक आ रहा था, CTR TTR मेंटेन था, 2-3 से आगे बढ़ता नहीं था। और दोस्तों यहाँ पे जो मुझे लगा कि हमारा जो गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुझे पहले से पता था कि भाई ये जो गूगल एडसेंस अकाउंट है 2-3 महीना मुश्किल से चलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो अर्निंग होती थी वो दिन ब दिन कम होती थी। जैसे मान लीजिए 10-11 बजे तक $40 हुआ और 2 बजे तक वहाँ पे हो जाता था $10, तो इससे मुझे पता चल जाता था कि भाई हमारे साइट के ऊपर इनवैलिड एक्टिविटी हो रहा है। तो इस तरह से भी आप अपने साइट को एनालाइज कर सकते हैं, अपने गूगल एडसेंस को आप देख सकते हैं कि भाई आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में क्या चल रहा है, आपकी अर्निंग क्या थी, पहले क्या हुआ। अगर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट की अर्निंग कम होती जाती है, जैसे $10 हुआ तो $3-4 बचता है, ठीक है, अपने अपने वो कट के $3-4 होता है, जिसका क्या मतलब है, पहले $10 दिखा अभी $3-4 हो गया, जिसका मतलब है कि जो भी ऐड के ऊपर क्लिक हुआ वो इनवैलिड क्लिक हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि इनवैलिड क्लिक जो होता है कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि गूगल एडसेंस के ऐड के ऊपर क्लिक करें या ना करें, और कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई ये ऐड है कि कंटेंट है। अब वहाँ पे मान लीजिए क्लिक करते हैं दूसरा पेज ओपन होता है तो वो घबरा जाते हैं, भाई जैसे दूसरा पेज ओपन हो रहा था हमको तो यहाँ जाना नहीं था, तो वो बैक हो जाते हैं। तो इस तरह के भी क्लिक को कहते हैं इनवैलिड क्लिक। तो अधिकतर हमारे साइट के ऊपर शायद इसी तरह का क्लिक हो रहा था, इसी वजह से हमारी अर्निंग कम हो रही थी और लास्ट में हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि URL शॉर्टनर साइट बनाते हैं, उसके ऊपर ऐड लगाते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का कंटेंट नहीं होता है। गूगल एडसेंस की पॉलिसी ये कहती है कि हम उसी साइट के ऊपर ऐड दिखाएंगे जो हमारे प्रोग्राम के पॉलिसी के अंदर आता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि URL शॉर्टनर साइट को तो अप्रूवल मिलने से रहा नहीं, तो वहाँ पे अगर ऐड दिखा रहे हैं आप तो कैसे दिखा रहे हैं, कितना दिन चलेगा, क्या गूगल को पता नहीं चलेगा कि हमारा ऐड कहाँ पे प्लेस किया गया है, किस प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है, सब चीज़ उनको पता होता है। जैसे ही मान लीजिए कोई भी एडवर्टाइजर अगर कंप्लेंट करता है तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ओहो ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तो कोई कंटेंट ही नहीं है, यहाँ पे जो ये साइड है यहाँ पे तो लोग तो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, ये तो URL शॉर्टनर साइट को मोनेटाइज किया है, यहाँ पे तो अधिक क्लिक आएगा ही। तो इस तरह के साइट के ऊपर मान लीजिए अगर आप गूगल एडसेंस का ऐड लगाते हैं, अगर गूगल एडसेंस के नज़र में आ जाता है, आना तो है, कभी कभी लेट से आता है, कभी कभी पहले आ जाता है, अगर पहले आया तो पहले गूगल एडसेंस का अकाउंट जाएगा, लेट से आया तो लेट से जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे ईमेल करते रहते हैं बराबर, और पिछले महीने तो हद हो गई, बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किया, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनका 6-7 लाख सब्सक्राइबर है उन लोगों ने मुझे ईमेल किया, स्क्रीनशॉट भेजा, कुछ लोगों ने तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया, इसराइल भाई हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया। उसमें से दोस्तों बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की तो मुझे पता चला कि वो लोग अपने साइट के ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक ला रहे थे। कुछ लोगों ने अपने चैनल के ऊपर गिववे किया था, गिववे में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था उन्होंने अपने साइट का। जैसे ही दोस्तों उस लिंक के ऊपर कोई भी क्लिक करता था तो एक पेज ओपन होता था, उस पेज के ऊपर ऐड था गूगल एडसेंस का, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन होता था, फॉर्म को फिल करिए उसके बाद आप गिववे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि ये जानबूझ के क्लिक कराना था,
ठीक है, ये जानबूझ के क्लिक करना था, इसलिए उनका भी गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया। अब दोस्तों मैं आपको साफ सुथरा लंबा चौड़ा भाषण देने से बेहतर है कि मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं। अगर दोस्तों आप लोग गूगल एडसेंस के साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो लॉन्ग टाइम कर सकते हैं, अगर आप उसे चीट करेंगे तो 1-2 महीना। अब चीट के नाम पे है क्या दोस्तों कि जानबूझ के क्लिक कराना या किसी ऐसे पेज के ऊपर ऐड देखा जो कि गूगल एडसेंस के प्रोग्राम के पॉलिसी को वो फॉलो नहीं करता है। अगर दोस्तों आप लोग इस तरह के पेज के ऊपर ऐड दिखाते हैं या किसी ऐसे बटन के ऊपर आप ऐड लगाए हुए हैं जहाँ पे लोग आगे क्लिक करेंगे तो सीधा गूगल एडसेंस का ऐड के ऊपर ही क्लिक होगा, अगर दोस्तों इस तरह का प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को डिसेबल किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि अगर आप लोग अपने साइट के ऊपर अधिक मात्रा में ऐड लगाते हैं CTR मेंटेन करने के लिए, तो भी दोस्तों आपका गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे डिसेबल किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों देखा गया है कि अगर आप अपने साइट के ऊपर अधिक मात्रा में ऐड लगाते हैं, क्लिक भी आ रहा है अधिक मात्रा में, तो 100% आपका गूगल एडसेंस अकाउंट 1-2 महीने के अंदर डिसेबल होगा। ये चीज़ मैं ठोक बजा के कह सकता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है और लगभग मैं 3 साल से गूगल एडसेंस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था और हमने बहुत सारे गूगल एडसेंस अकाउंट को भी क्रिएट किया, अप्रूव कराया, और जिसको भी हमने कह दिया कि भाई ये अकाउंट डिसेबल होगा तो 100% डिसेबल हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।